ये क्या कर रहे हो आप, मेरा नुकसान करवाओगे क्या आज? यहाँ पर डस्ट देख सकते हो कितनी ज्यादा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम अपनी दुकान की थोड़ी बहुत सफाई कर रहे हैं और ये देख सकते हो आप कितना ज्यादा मतलब रद्दी निकली है दुकान में से। ये सारे डब्बे मैंने कुछ अंडरगारमेंट्स के खाली किए हैं, कुछ खाली हुए थे पहले से ही। तो अभी इसको हम कबाड़ी वाले को बेचेंगे और देखते हैं उससे पहले अगर बोनी होती है तो ठीक है, नहीं इसको सेल करके आज बोनी करेंगे। तो ये देख सकते हो ये ना ऊपर वाली स्लैब आज हम खाली कर रहे हैं, काफी दिनों बाद इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं और यहाँ पर डस्ट देख सकते हो कितनी ज्यादा है। और इसको बाहर झाड़ के आते हैं, पहले इसको फिर साफ करेंगे। ये सारी डस्ट ना ऊपर से आती है, ऊपर ये हमारा थोड़ा सा ओपन है ना, यहाँ से सारी डस्ट अंदर आती है और बहुत सारी ज्यादा मिट्टी हो जाती है। आज मैं भी फ्री था घर पे, मैंने सोचा आज कोई काम तो है नहीं, मोनिका के साथ लग के थोड़ी बहुत दुकान की सफाई कर लेते हैं। आज ये मैट नहीं है, ये पलाई है। जब ये बोर्ड बना, ये काउंटर बनवाया था ना, ये उसकी बची हुई पलाई है। ये फिर मैंने टोटा रख लिया था, मैंने सोचा वो पीछे जो स्लैब है उसके ऊपर बिछा दिए करेंगे, उसके ऊपर सामान रखो जाए करेंगे। पर ये भी बहुत गंदी है, डस्ट से देखो कितनी गंदी हुई हुई है। चलो जितना होता है उतना साफ तो करते हैं। रुक जाओ, पहले मैं ये सारा सामान यहाँ से हटा देती हूँ, जो प्लेट वगैरह रखी है नहीं इस पे भी डस्ट हो जाएगी, सब कुछ हटा देती हूँ पूरा। हम ये सब कुछ क्लीन करेंगे आज और यहाँ पर कुछ जगह बनाएंगे कुछ रखने के लिए। यार इसने बहुत लूपिया हुआ हमारा, ये मकड़ी है ना जो ये बहुत ज्यादा बनाती है। तो डस्ट की अमाउंट आप लोग देख सकते हो, इतनी डस्ट मतलब यहाँ से आती है सारी डस्ट, क्योंकि हमारी तो दुकान बंद रहती है और बहुत ज्यादा मतलब स्लैब पे भी बहुत ज्यादा, इस पे देख लो कितनी डस्ट होगी। आज हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, एक एक पार्ट जो है दुकान का हम क्लीन करेंगे आज। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर प्लाई ही रख रहे हैं, बट आगे हम यहाँ पर कुछ और एडजस्ट करेंगे, न्यू जो चीजें लेके आएंगे उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसकी सेटिंग बाद में करेंगे, अभी हम सफाई कर रहे हैं। जो भी कचरा है ऊपर था वो सारा हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अभी भी कुछ कुछ चीजें हैं ऊपर भी, कुछ गत्ते खाली है वो भी निकाल लो। ये भरे हुए हैं, कुछ खाली भी हैं, एक बड़े वाला अभी खाली होगा। हाँ वो ऊपर वाले जो तीन, हाँ ये सब खाली है, इनको निकाल लो। ये अभी दो चार दिन में सारे खाली हो गए, जो भी शीशे थे ना बड़े बड़े, ये भी लेके आने पड़ेंगे अब क्योंकि इसकी डिमांड काफी है। इसमें काफी होंगे, देख लो कितने, दो ही रह गए। इसमें एक और बॉक्स में होंगे, देखो नहीं वो इससे छोटा साइज है, फिर ये वाला साइज लाना पड़ेगा ना अब। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कोई भरा हुआ शीशा भी गिर दिया, क्योंकि क्या? काफी सारे ऊपर रखे हुए थे शीशे, बट क्यों लग रहा है? चेक कर लो एक बार, कभी नुकसान करवा दो मेरा। इसमें चेक करो ये वाले छोटे वाले, ये मुझे भरा हुआ लग रहा है, इसको देखो चेक करो इसको। ये क्या कर रहे हो आप, मेरा नुकसान करवाओगे क्या आज? ध्यान से देख देख के रखो, ऐसे मत करो, मेरा नुकसान करवाओगे आज आप दुकान पे आके। और भी चेक कर रहे हो? और भी देख लो, कभी कुछ और भी गिर दिया, बाकी तो खाली है, ये भी खाली है। तो खाली है, ये सब खाली है। ये तो मैंने इसमें से कुछ निकाला ना, ये तो चूड़ी का डब्बा था खाली। अब मुझे ऐसा अंदर अंदर से लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपने घेर दिया है, देख लो। ये तो सारा कबाड़ी है, वैसे ये डब्बे रख लेंगे यूज आ जाएंगे, एक ये डब्बा रख लेंगे और दो तीन डब्बे और हैं वो भी यूज आ जाएंगे। ये काउंटर हो ही गया है ऑलमोस्ट खाली, डस्ट देखो यहाँ पर भी इतनी ज्यादा हो गई है। नहीं नहीं ये तो लिपस्टिक का है, वैसे ये यूज आ सकता है, देखो ना थोड़ी बहुत लिपस्टिक। हाँ कुछ लिपस्टिक जैसे खाली होंगी ना बॉक्स में, तो इसमें खड़ी करके रख देंगे ऐसे, ये रख लो यूज आ जाएगा। इसको क्लीन करके फिर रखूंगी, इसमें जो भी रखने वाला सामान है। ये तो खराब है, काजल था ये, टूट गया था। देखो कोई कबाड़ी वाला, देखो कोई बाहर आ रहा है कि नहीं।
गाइस, वैसे सुबह से इतने कबाड़ी वाले निकलते हैं ना सामने से, आज कोई भी नहीं दिख रहा है। पता नहीं, जब हमें कोई काम होता है ना तो इसी तरह होता है हमेशा। और अभी थोड़ी बहुत क्लीनिंग जो है अभी बाकी है, और अभी हम लोग ये सारा सामान अभी इकट्ठा कर लेते हैं। सो गाइस, सारे गत्ते हमने निकाल लिए जो खाली हो गए थे, और ये जो इसमें लिफाफे में है, इसमें सारे लिफाफे हैं, और भी जो थोड़ा बहुत कूड़ा था दुकान का वो सारा हमने इसके अंदर भर दिया है। अब कबाड़ी वाले का वेट कर रहे हैं, बट कोई कबाड़ी वाला बाहर से नहीं आ रहा है। अभी कोई भी दिख ही नहीं रहा आज सारा दिन। रुकना भैया, रुकना, आ गया कबाड़ी वाला, ले आओ। आ गया आसमान। सो गाइस, फाइनली इतने इंतजार के बाद कबाड़ी वाला आ गया है। ले जाओ ले जाओ, मैं लेके आऊं कुछ? कई बार में जाएगा, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। सो सारे गत्ते ले गए हैं, अभी बस इसमें से दो हमने डब्बे रखे हुए हैं, क्योंकि ये अच्छे हैं, इसमें कोई सामान आ जाएगा। ₹66 की बोनी हुई है ये रद्दी बेच के, और अब मैं कबाड़ी वाले को इस चेंज वापस करने जा रही हूँ। ₹4। और गाइस, ये दो डब्बे हैं जो हमने रख लिए, ये काम के लिए कोई काम आ जाएंगे, ये घर पे यूज में आ जाएंगे या ये दुकान में यूज आ जाएंगे। और इसका क्या करूं? इसको फेंका होगा सब, इसका क्या करना है? उसने लिया ही नहीं, वो कह रहा पॉलिथीन नहीं लेते। इसको मैं डस्टबिन में डाल के आता हूं। सो गाइज, उनको कोई काम आ गया था तो वो अपने काम से चले गए हैं, और मैं अभी बैठी हूँ। तो मोस्टली जो थी थोड़ी बहुत जो सफाई हमने मेन जो सोचा हुआ था सुबह से, कि हमने सारा सामान बेचना है, कचरा जो भी था शॉप में, तो वो सब कुछ अब बेच दिया। और 66 रुपीज़ की बोनी हुई है। वैसे बोनी तो 10 रुपये की पहले भी हो गई थी, बट ये अभी हमने ये सेल करके 66 रुपीज़ की आज बोनी करी है। और अभी मैं बस बैठी हूँ, और थोड़ा बहुत मैंने क्लीनिंग करी, और मैंने बहुत कुछ सोचा था कि और भी कुछ क्लीन कर लूँगी, बट अब वो चले गए हैं तो अब सोचा है कि फिर कभी करेंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन।